सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में अलादीन ने शहजादी यास्मीन को तोते से वापस शहजादी तो बना दिया, लेकिन शहजादी के दिल में अलादीन के लिए नफरत आज भी वैसी ही है। अब भले ही अलादीन अली बनकर महल में आए हैं, लेकिन अली हो या अलादीन, शहजादी उस शख्स पर भरोसा करना ही नहीं चाहती है। और इस बात का गुस्सा आज यास्मीन वजीर आला जफर पर निकाल रही है। आपको बता दें कि अली ने जफर का भरोसा जीत लिया है। सौदागर अली की बातों में फंस गए हैं जफर, इसलिए वजीर आला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहजादी अली पर भरोसा करें और उन्हें महल में ही रहने दें। लेकिन शहजादी यास्मीन ने वजीर आला जफर को फरमान सुना दिया है अली को महल से चलता करने का। चलिए जफर के पास चलते हैं और जानते हैं कि शहजादी के कौन से हुक्म की नाफरमानी करने पर उन्हें इस तरह डांट सुननी पड़ रही है। अली वापस आ गया है, अली और जफर की दोस्ती हो गई है और अच्छी दोस्ती हुई है, और शहजादी को यही लगता है कि अली नहीं अलादीन है, और उससे ज़्यादा अगर वो ये मान भी कहीं रही है इस बात को कि वो अली है, तो उसकी शक्ल उस शख्स से मिलती है जिसने उसके वालिद का कत्ल किया था, तो वो चाहती ही नहीं है कि वो महल में रहे। और यहाँ जफर ने उसको अपना दोस्त बना लिया है, तो वो पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि अली इस महल में ही रहे। तो ये पहली जद्दोजहद है जो होती है कि शहजादी कहती है उसे निकाल दो, मैं यहाँ की शहजादी हूँ तो मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, जो जफर के ईगो के खिलाफ जाता है, और वो पूरी कोशिश करने वाला है कि अली यहीं रहे। शहजादी यास्मीन ने अली को महल से निकालने की ठान ली है, लेकिन अली भी कम नहीं है। अली ने शहजादी के सामने ऐसा जाल फेंका है जिसमें ना चाहकर भी यास्मीन फंस ही जाएंगी। अली ने शहजादी के सामने खुद ही गिरफ्तार होने की मांग की है। वो चामर है और दीवाना करने वालों में से है, वो उसकी खूबी है, उसकी खासियत है, वही चीज़ वो शहजादी के साथ आजमाने की कोशिश कर रहा है ताकि जफर का काम कहीं आसान हो जाए उसे प्रोटेक्ट करने में, और बस वही अपने जो क्वालिटीज़ है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि शहजादी कहीं पिघल जाए उसके चार्म को देख। शहजादी यास्मीन हर हाल में अली की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है, तो क्या हम ये समझें कि जल्द ही अली बने अलादीन का सच शहजादी और वजीर आला के सामने आने वाला है? उसे तो काफ़ी वक्त लगेगा, पहले तो व्यूअर्स ये देखेंगे कि अलादीन और जफर की दोस्ती होगी, और जाहिर सी बात है उस दोस्ती में बहुत मज़ा आएगा। हीरो और विलेन जब दोस्त बन जाते हैं तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पहलू बाहर निकल आता है। सिद्धार्थ बहुत अच्छा एक्टर भी है और सीन हमारे लिखे भी बहुत अच्छे जाते हैं, तो कोशिश यही होगी कि कुछ हम अच्छा बना के दर्शकों को दिखाए ताकि दर्शक भी उससे एंटरटेन हो। वजीर जफर का भरोसा जीतकर अली ने अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है, लेकिन असली मुश्किल तो अभी बाकी है, क्योंकि अली को शहजादी यास्मीन का भरोसा जीतना है। अब देखना ये है कि अली अपने इस मकसद में कब और कैसे कामयाब होंगे। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।